गाइस, जय श्री राम, सत श्री अकाल, केम छो, मजा माँ, हम भी अच्छे हैं। आज फिर बाहर मैं हस्बैंड घर पे हैं, सो पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ है, जो जगा के आई हूँ, विंडो खोल के आई हूँ, धुआं ना हो जाए। हस्बैंड बोला मैं क्या देख लेना, तो आज फिर कीर्तन है। उन्होंने, मैं उनको इतना जानती नहीं हूँ, बट उन्होंने दो तीन बार बोला, मैं सोचा जा ही आती हूँ। फ्रेंड्स का भी कॉल आया, कह रहे चलते हैं। सो पता है, दूसरा अगर कोई बहुत प्यार से बुलाता है बार बार, तो अच्छा नहीं लगता है कि आप नहीं जाओगे। सो बट यह है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज नाइट शिफ्ट है, मुझे बहुत काम है, नाइट शिफ्ट में मोस्टली बिजी ही रहते हैं। तो अनज्ञा को सुबह ना हस्बैंड छोड़ के आए, क्योंकि उसने ना रात का 6 बजे का खाना खाया, मैंने बताया था शाम का खाया हुआ था, वो भूखा था, तो सुबह नींद में ही बोल रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, और खाया क्या, आधा सैंडविच। ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ खा के आया, आधा सैंडविच खाया, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये है कि अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि आज मैं पार्किंग में उतरी हूँ, पर धूप बहुत ज़्यादा होगी तो मेरे पैर जल जाएंगे, पर यहाँ पैर मेरे काले हो जाएंगे एकदम, क्योंकि पार्किंग में गाड़ियाँ होती हैं, इतनी मिट्टी होती है, ऊपर तो थोड़ी बहुत सफाई भी होती रहती है, यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ आ रहा है जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी कोई ट्रैश फेंकता है, गंदा तो करता नहीं है। सो जाना कहाँ है मुझे ये भी नहीं मालूम है। चलो बाद में बात करती हूँ। हम पहुँच गए हैं, तो अंदर चलते हैं, हमारी इंडियंस की निशानी देख लीजिए, रंगोली भी बनाई है। पूजा पाठ हो गया, कीर्तन हो गया, तो अभी चलते हैं ऊपर, भूख भी लगी है, 1:30-2 बज रहे होंगे। सो अनज्ञ आ गया है, उसके पापा ने उसको ले लिया था, मुझे नाइट का खाना भी बनाना है, गालियां बहुत पड़ेंगी, हस्बैंड बोलते हैं घर भी आ जाकर, घर भी टिक जाएगा। ताऊ जी, ताई जी ने गिफ्ट भेजा आपके लिए बर्थडे का, ये क्या? खोलो, ओपन करो, क्या कर देंगे, तो इस पे रख के करो, इस पे मम्मा के पास आके करो, गिराना मत, हाँ यहाँ के करो, खोलो खोलो खोलो, अच्छे से खोलो, रुको रुको रुको, इधर रुको, मम्मा खोल देती है, ऐसे फाड़ मत देना। ये क्या है बेटा? This is kind of looks like a my birthday present. एक मिनट बेटा, एक मिनट, अच्छा क्यों खोलना जी, एक मिनट बेटा, पापा खोल देंगे, गिरा ना दे यार, मुझे यही लग रहा है। ओ क्या है ये, दिस इज माय नेकलेस, क्या है ये, अच्छा अच्छा, इसमें कुछ नहीं है बेटा, यही है, सिल्वर का वो है, चेन है। जय माता दी। मंदिर मैंने ना सारा क्लीन कर लिया, ज्योतबत्ती कर ली है, क्लीन करके दोबारा फ्लैश लगा दिए, चढ़ा दिए माता रानी को, क्योंकि ना कल सुबह मैं पूजा पाठ करने शुरू हो जाऊंगी, दूसरा नग्गे के पापा भी सुबह आ जाएंगे, नाइट शिफ्ट पे गए हैं, तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, मुझे फिर फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने अभी नफेट दिया, नीचे से भी अच्छे से थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक होता है ना पूजा का, ज्योत का होता है, तो वो भी सारा क्लीन करके बिल्कुल साफ कर दिया है। सो मंदिर का काम तो हो गया है, बाकी सुबह का अभी मुझे चने भिगोने हैं, अभी है टाइम, अनग्य को खाना खिला लिया, बर्तन साफ करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं, आपके सामने आना, मैं बर्तन बिल्कुल रात को रखती भी नहीं हूँ, बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ, स्टिल ना कॉकरोच हो रहे हैं यार, पता नहीं यार कब ये जाएंगे, ये मेरे सर्दियों में कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, बट अभी हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं, तो मुझे डर है कि अगर सर्दियाँ जल्दी नहीं आई तो ये बढ़ जाएंगे, फिर पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा, पेस्ट कंट्रोल मतलब इतना होता है कि फिर पूरा आपको किचन साफ करना होता है, बर्तन अकेला बर्तन निकाल के साफ करना होता है, फिर 2-3 दिन डर लगता है कि दवाई कहीं नुकसान ही ना कर जाए बच्चे को स्पेशली, तो दिक्कत हो रही है, देखते हैं चलो क्या बनता है, बट मेरा मन बहुत खराब हो रहा है उनको देख देख के। हाय,
वैसे मुझे देख के सब बोल रहे होंगे ना कि मेरा वेट बहुत ज्यादा लूज हो गया है, बट दैट्स नॉट रियलिटी. मेरा वेट अभी भी उतना ही है. सो मेरा वेट जाता ही नहीं है, मेरे को छोड़ के ही नहीं जाना चाहता. मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर घर डाल के बैठ गया है. सो वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता है, मुझसे बहुत प्यार हो गया उसे. मैं हमेशा डेली अपना वेट चेक कर रही हूँ. बिल्कुल स्टक हुआ अपना, बिल्कुल ज़्यादा हिल ही नहीं रहा. ऐसे क्या वैसे ही नहीं हो रहा. और आपको भी पता मैं क्या ही खा रही हूँ, बट हाँ मैं आलू खा रही हूँ जो कि अच्छा नहीं है. उसमें बहुत सारे फैट होते हैं, शायद उस वजह से, क्योंकि मेरी बॉडी में फैट ही फैट रह गया है, बाकी सारा कुछ निकल गया. चमड़ी चुपड़ी भी मेरे को लग रहा है कम हो ही गई है. सो कैसे जाएगा मुझे नहीं मालूम है. मेरे को पता है कैसे जाता है, वर्कआउट करने से. और बहुत जैसे मैं प्रॉपर एक डाइट पे आ जाती हूँ तभी जाता है, ऐसा नहीं जाता है. ये अभी तो खाना बेशक आलू खा रही हूँ, बट पेट भर के खा रही हूँ ना. और आलू समझ रहे हो ना आप, आटा वगैरह खा रही हूँ, ऑयली हो रहा है, बिना घी लगाया खाया नहीं जाता, रूखा सूखा सा लगता है. सो चावल खा रही हूँ इतने सारे, क्योंकि बना हेल्दी रही हूँ बट भूख लगती है तो ज़्यादा खा लेती हूँ. सो इसलिए नहीं जा रहा वेट, उतना के उतना है बस. हाँ ऐसा है कि शरीर जरूर ऐसे पिचक गया है बिल्कुल ही. सो ये क्लीन कर लेते हैं, मेरे को बिल्कुल मन नहीं है इसको क्लीन करने का. मेरे को देख के कुछ हो रहा है, मेरे को थकान हो रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं. पर ठीक है, आज रात की बात है. कल तो, पर कल पता है खाया नहीं जाता है, फिर उसके बाद चक्कर आते इतने ज़्यादा, ऐसे लगता कि मर ही जाएंगे. इसीलिए मैं इस बार पीनट ऑयल लेके आई हूँ, क्योंकि उसको खाने के बाद ना थोड़ा सा ठीक लगता है. दूसरा ऑयल यूज़ करती हूँ ना, रिफाइंड वगैरह, ये सनफ्लावर ऑयल, ये सब खाने के बाद ना सिर्फ नींद आती इतनी ज़्यादा. तो मुझे कल बहुत सारे काम है, परसों भी बहुत सारे काम है, परसों तो बहुत ही ज़्यादा काम है. इसलिए मैं तरीके से ही खाऊंगी. और मेरे को खाने के बाद क्या होता है, मेरा पेट खराब हो जाता है. ऐसे ही होता है हर बार, हर मैं रातों में ऐसा ही होता है. सो देखते हैं कल क्या बनता है क्या नहीं. कन्या का भी मैंने बोल रखा है, पता नहीं वो आएंगी नहीं आएंगी. मेरे से घर साफ हो जाएगा, टाइम पे नहीं हो पाएगा, मुझे बस यही टेंशन हुई पड़ी है. सो चलो इसको क्लीन कर लेते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा. सच बता रही, मेरा इतना सा मन नहीं है इनको साफ करने का, पर नहीं साफ किया ना सर, रिजल्ट वेरी हॉरेबल. इसलिए इसको क्लीन करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो रिजल्ट आएगा मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा. कॉकरेज हो, समझ रहे हो. आगे लिफ्ट आ गई, चलो 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 चलो. सामान लेने आई थी मैं नीचे, मैं क्या थोड़ा सा ले आती हूँ. पहले मैंने सोचा कल सुबह जाऊँगी, फिर पता क्या हुआ मैंने अपने पैरों को देखा, बहुत गंदे थे. मैं कहा अभी मैं धोऊंगी, फिर सुबह जाऊंगी नहा के फिर धोऊंगी, तो इससे अच्छा है अभी सामान ले आती हूँ, फिर जाके धोऊंगी, फिर मैं सुबह नहीं निकलूँगी, फिर कन्या पूजन करके फिर चप्पल पहनूंगी, क्योंकि मेरे पैरों की हालत बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा. इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, है ना. गाइस जय श्री राम, सत श्री अकाल, केम छो, मजे में, हम भी अच्छे हैं, जय माता दी. तो आज कन्या पूजन है, झाड़ू लग गया है, डस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया है. मंदिर मैंने रात को क्लीन कर लिया था, अभी पोछा लगाना है, तो वो लगाते हैं. फिर उसके बाद नहा के किचन क्लीन करते हैं दोबारा, क्योंकि रात को कॉकरोच कोई ना कोई तो घूमा होगा पक्का, तो दोबारा क्लीन करते हैं. उसके बाद बनाना शुरू करते हैं प्रसाद कन्याओं के लिए. हाय, घर क्लीन हो गया एकदम बिल्कुल. तो अभी नहा लेते हैं, अनग उठ गया है, हस्बैंड सो रहे हैं, नाइट शिफ्ट करके हैं, वो भूखे ही सो गए. बोलते कोई बात नहीं, आज मैं प्रसाद ही खाऊंगा. मैंने बोला ठीक है. तो अभी नहा लेते हैं, कन्या पूजन कर लेंगे सुच्चे मुना, इसलिए तो नहा लेते हैं, फिर आते हैं करते हैं बात आपसे. फटाफट काम निपटा के नहाने वाला, तो अब आ गई हूँ. क्या पहना नहीं पहना ये कुछ दिखाने का टाइम नहीं है, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं वो दिखा दूंगी. और खाने में हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बना था. सो मैंने आलू की सब्जी बना ली है, चने बना लिए हैं, हलवा उधर रखा है. ये मैंने ना इंडिया से मंगवाया था अभी, तो मैंने इसलिए रात को चकला वेलना धोना भी भूल गई हूँ. तो अगर देखते हैं ट्राई करके इसमें पूरी बनती है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे बना लूँगी. वैसे मुझे आदत चकले बेलने पे बनाने की है, सॉरी यहाँ पे सलफ पे. तो बट देखती हूँ अगर इसमें बनता है, ठीक है, नहीं तो सलफ दोबारा धो के अच्छे से तो फिर बनाऊंगी. सिर्फ पूड़ियाँ बनाने वाली पड़ी हैं अभी, तो किसी और के घर में कन्या जाएंगी, फिर उसके बाद इधर आएंगी. अभी है टाइम तो मैं साथ साथ में थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनानी है ना. इस बार मुझे कन्या मिल गई हैं
भगवान की दया से सात मिल गई हैं, पता नहीं कितनी आती हैं, बट सात लोगों को मैंने बोल दिया है। सो होप सो आ जाए, माता रानी कृपा करे। ये गाइस खाना खा लीजिए, मैं पहले से ही खा रही हूँ, मैं भूल गई रिकॉर्डिंग करनी है। कितने बजे खाना खा रहे हैं आज? दिन का फर्स्ट मील लिया है हमने पौने तीन बजे। अभी फुर्सत है क्योंकि कुछ आज फ्राइडे में ना जो शारजा के स्कूल है वो नहीं लगते हैं, बट जो अजमान के स्कूल है वो लगते हैं, इसलिए जो अजमान वाली लड़कियां थी वो आज पर जल्दी छुट्टी हो जाती है इसलिए लेट आई। खाना खा लीजिए। जय माता दी। वो करने पूजन के बाद झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, पोछा नहीं करा, झाड़ू मारने का मन था बट नहीं करते हैं, तो कपड़े से हल्का सा साफ कर दूंगी। आज कन्या पूजन बहुत अच्छे से हुई, सात कन्याएं मिली मुझे आज, और दो लैंकड़े थे। और एक्चुअली क्या, मैंने इस बार किसी को नहीं बुलाया, कोई फ्रेंड्स वगैरह किसी को, नॉर्मली मैं हर बार, आपने वीडियोस भी देखा होगा, मैं अपने फ्रेंड्स लोग को सबको बुलाती हूँ और लड़कों को सबको, बच्चों को भी बुलाती हूँ, बट इस बार मैंने किसी को नहीं बुलाया क्योंकि मुझे बहुत काम है। कल ना अनग्य का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, बस अनग्य ने रात को उल्टी करती, मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, थोड़ा ढीला सा है वो, सुबह फीवर भी था उसको, तो मुझे लगता है कि उसने ना वो चीटोस चूटोस पता बच्चों, बड़े बच्चों वाली चीज़ें हैं, तो बोलता मुझे वही खानी है, पहली बार इसने खाई है, खाया वो, इसको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, मेरे को लगता उस वजह से हुआ है इसको, तो पता नहीं क्या है। तो उसका ना अभी मुझे बहुत काम करने वाले पड़े हुए हैं, बहुत हस्बैंड तो चले जाएंगे, इवन कि कितने लोग हैं उसका काउंट करके भी बोलना था, वो भी अभी तक नहीं बोला है। केक आज फाइनल हुआ है क्योंकि मैंने उसको कुछ मॉडिफिकेशन करवाई, तो वो आज सुबह फाइनल किया, अभी एक दो चीज़ें वो है वो करके, अभी कहीं और जाना है, सामान लेना है, बहुत कुछ है, वो मुझे अकेले ही करना है, हस्बैंड नाइट शिफ्ट जा रहे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, तो फिर इसलिए इतना खाना नहीं मेरे से बन पाता था, और मैं फिर जितना कर सकती थी उतना कर दिया। देखूंगी बच्चों को, ऐसे आशीर्वाद ले लूंगी, आज जाना कीर्तन पे जाना है, बट सेवन गर्ल्स थी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी और को जानती थी, इस बार भी सेवन आ गई, मुझे था पांच होगी, दो को मैं नहीं जानती थी, फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात की तो बोले कि कोई बात नहीं वो आ जाएंगी, फिर मैंने उनसे बात की तो बोले कि कोई बात नहीं मैं अपनी बेटियों को ले आऊँगी, तो इस वजह से सात कन्या होगी। बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, पूरियां खा के नींद आ रही है इतनी ज़्यादा, पर उन्होंने मैसेज किया बुलाया है इसलिए जाना पड़ेगा, मेरे को नहीं, बहुत थकान हो रही है, ऐसे कमर दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, आई तो जाना पड़ेगा। और हस्बैंड अभी गए हैं, खाना खा गए, टिफ़िन लेके नहीं गए, कह रहे कि नहीं मैंने दो बार पूरियाँ खा ली अपनी खानी, मैंने बोला कि चावल खा लो, कह रहे नहीं भूख ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो ना 12 बजे के आसपास खाई थी, 12 बजे, तो फिर वो ना आगे के ना पीछे के, इस वजह से ना वो नहीं लेके, कह रहे मैं कुछ हल्का हल्का खाने का मन है, मैं बिरयानी वगैरह खा लूँगा तुम आराम करो, ठीक है। What you say? Okay, you don't want to waste the money and coin. Yeah, मैंने बोला ले ले, कह रहे नहीं मम्मा I don't want to waste the money. अभी मैं अंकिता के घर हूँ क्योंकि इसी बिल्डिंग में ही कीर्तन था, तो थोड़ा सा 13th floor पे था, अभी नीचे आए हैं हम, तो अब बच्चों को ये देखेगी और मैं थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि उसके हस्बैंड 2 घंटे बाद आएंगे, अभी 6 ही बजे, देखो अंधेरा कितना हो गया बाहर, मौसम चेंज बदल गया बट गर्मी नहीं गई। हाय, कपड़े चेंज कर लिए बट लुक एट द मेस हेयर, no 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 it's not a mess, this is mess, I want to talk someone, I think just wait, this is the mess, itne dyed ho na meri aankhein band ho rahi hain, mere se bola nahi ja raha, meri matlab legs bahut zyada pain kar rahi hain, bartan saaf karke sirf so jaungi, anage ko khana banana hai bas, aur kuch nahi hai, maine khana nahi hai, to milte hain aapko next vlog mein, jaise aaram please mere se isse zyada nahi bola ja raha, main 2 din ka vlog ikattha dal dungi।